केकेआर के खिलाफ रोहित ने घोषित की मुंबई इंडियंस की खतरनाक प्लेइंग 11। रोहित ने केकेआर के खिलाफ एमआई की टीम में शामिल किए 3 मैच विनर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी, साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कैसी है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, बताएंगे आपको आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का ये सीजन अभी तक ठीक नहीं रहा है। टीम का प्रदर्शन तो लचर है ही, साथ ही टीम के खिलाड़ी भी चोट की वजह से बाहर होते जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम सिर्फ एक ही मुकाबले में जीत दर्ज कर पाई है। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की निगाहें अब अपने अगले मुकाबले में जीत दर्ज करने पर होगी। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलेगी। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम अपने होम ग्राउंड यानी मुंबई में खेलेगी। मुकाबला रविवार 16 अप्रैल को खेला जाएगा और ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा की निगाहें अपने घर में केकेआर को पटकनी देने पर होगी, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा अपने सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए कैसी होगी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और ईशान किशन इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव होंगे। रोहित शर्मा एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में मौका देंगे। चौथे नंबर पर कैमरॉन ग्रीन होंगे। इस खिलाड़ी से भी रोहित शर्मा को काफी विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी। पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा होंगे। तिलक वर्मा एमआई के लिए लगातार विस्फोटक पारियां खेल रहे हैं और रोहित को उम्मीद होगी कि केकेआर के खिलाफ भी वो ऐसी ही विस्फोटक पारी खेले। इसके अलावा नंबर 6 पर टीम डेविड, नंबर 7 पर अरशद खान, नंबर 8 पर पीयूष चावला, नंबर 9 पर आकाश मधवाल, नंबर 10 पर जेसन बेरेंडोप, जबकि नंबर 11 पर अर्जुन तेंदुलकर को पहली बार डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से होगी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।